कुछ कुछ होता है शाहरुख खान किसे नहीं पता, जिसके पास थी टीना, जिसके पास थी अंजलि। लेकिन बिग बॉस सीजन 13 के घर में अब सिद्धार्थ शुक्ला बन गए हैं इस घर का शाहरुख खान। जी हाँ, क्योंकि इनके पास हर कोई लड़की अट्रैक्ट हो रही है। जैसे कि कल के एपिसोड में हमने ये देखा था कि देबोलीना इनके और उनके बीच में जो दरार थी वो प्यार के मामले में सुलझ रही है। कहीं ना कहीं इनके दोनों में जो भी झगड़े थे वो खत्म होकर एक प्यार की तरफ जा रहे हैं। ये फेक हो या रियल हो, लेकिन ये झगड़े जो है इस वजह से कम हो गए हैं। और इसी के साथ एक मामला वहां पे घर में हुआ है, जहां पे कल भाईजान का वीकेंड का वार का शूट चल रहा था और वहां पे हर किसी को एक टैग दिया जा रहा था और वो गले में लटकाना था। जैसे कि दिशाहीन होगा जो शेफाली को मिला, वर्क इन प्रोग्रेस था वो खेसरीलाल यादव को मिला, लीडर था वो मिला विशाल आदित्य सिंह जो नए आए हैं उनको, स्लो मोशन रश्मि को मिला, ऐसे ही एक टैग था वो था एंटरटेनर। और वो एंटरटेनर किसे मिलेगा? अगर एंटरटेनर नाम इस बिग बॉस सीजन 13 के घर से अगर जोड़ दिया जाए तो भाऊ और सना इन दोनों का ही नाम सामने आता है। लेकिन माहिरा ने वहां पे एक चीज कल बोली और वो चीज ये थी कि जो भी हरकतें जो भी चीजें वहां पे जो देबोलीना कर रही है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली जो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत खराब लगते थे, बैड लगते थे, वो अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। और इस पर सिद्धार्थ शुक्ला जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते कि ओ रियली लाइक, मतलब ये सीरियसली आप मुझे बोल रहे हो। और वो अपनी जगह से उठते हैं और पॉइंट आउट करते हैं वहां पे असीम हो, शेफाली हो, आरती हो, सना हो, इनको कि 1 2 3 4 गेट आउट। और वहां पर जाकर माहिरा के बाजू में जाके बैठ जाते हैं। तो फिलहाल जो वहां पे एंटरटेनर का बोर्ड है, वो एंटरटेनर का बोर्ड दिया गया है देबोलीना को और वो दिया है सिद्धार्थ शुक्ला ने। जैसे कि कोई शादी के वक्त अपनी माला पहनाता है, उसी तरह से उन्होंने वो एंटरटेनर का बोर्ड देबोलीना के गले में पहना दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो सब हर जगह जो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ थे अब वो उनके पास आ रहे हैं और हर कोई ऑडियंस भी इसे एंजॉय कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में क्या घर का माहौल अलग हो सकता है? क्या अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं? क्या सिद्धार्थ शुक्ला सच में इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? क्या ये बड़ी गेम होगी? ये तो आने वाले दिन में ही समझेगा। लेकिन कल वीकेंड के बारे में ये सब कुछ हुआ है, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और देखते रहिए एक्ट राइडर्स, बड़े बड़े न्यूज लेकर मैं आपके पास आता ही रहूंगा। धन्यवाद।